Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2, question 1, part 3. Find the selling price when marked price is equal to 395.75 discount 8%. ठीक है, 8% discount हो तो marked price आपके पास ये हो, ठीक है, तो selling price आपने find करनी है. तो हम लिखते हैं discount is equal to 8% of marked price. ठीक है, तो 8% ये, ठीक है, और marked price हमारे पास ये given है. ठीक है, तो हमने लिखा 8 ये वाला, ठीक है, और percentage को खत्म किया हमने 100 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो परसेंटेज का साइन खत्म हो गया. आपकी जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और मार्क प्राइस की जगह ये जो वैल्यू मार्क प्राइस की दी हुई है 395.75 ये हमने लिख दी. अब हम इसको, ठीक है, हल करते हैं. 8 को आप मल्टीप्लाई करें 395.75 के साथ, ठीक है, तो एक आंसर आएगा. ठीक है, उस आंसर को आपने डिवाइड करना है 100 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 31.66. ठीक है, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, ठीक है, 395.75, माइनस की जगह माइनस करेंगे और डिस्काउंट की जगह 31.66 ये हमने निकाला हुआ है. तो मार्क प्राइस की जगह हमने लिखा 395.75 यहाँ पे, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे माइनस लगाया और डिस्काउंट की जगह ये हमारे पास है 31.66. ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि 395.75 में से माइनस करेंगे 31.66 को, ठीक है, तो आपके पास एक आंसर आएगा, वो आएगा 364.08. तो ये हमारा फाइनल आंसर.